my beautiful thank you so much. Thank you. Please watch Nagin. Out now. Saiya, meri teen me. Hey, abhi step to dikha de, step to dikha de. Teen me jaate saiya, din teene ne. We love you, Henny. Thank you. Thank you so yeah, much. Thank you, Henny. Yes, yes. Okay. अगर आप लोग नहीं होते तो मैं नहीं होता, और मीडिया ऐसी चीज़ है कि आपको बड़े से भी बड़ा बना सकते हैं या आपको गिरा भी सकते हैं। तो मैं मीडिया आपको हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ ये गाना को आगे बढ़ाइए, इंडिया में सबको दिखाइए, और आप लोग भी इंजॉय किए और अपने फैमिली को दिखाइए। मेरा बस यही है। किसको? हाँ, ओ वाओ, एक्चुअली मैं पहले बचपन बहुत मैं बचपन में नंबर वन टेनिस प्लेयर था। ये मेरी चैंपियनशिप रिंग है। मैं अमेरिका नॉर्थ कैरोलिना में नंबर वन टेनिस प्लेयर था। तो कंपटीशन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बट ये म्यूजिक इंडस्ट्री है, सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो इसमें मेरा कोई कंपटीशन है। मैं चाहता हूँ रफ्तार, हनी सिंह, बादशाह, एमी वे बंटाई और बोहेमिया, जो भी रैपर्स है, सब बड़े, हम मिलके एक रैप कम्युनिटी बनाए एंड बिकम द बिगेस्ट इंडस्ट्री, और रैप को सबसे नंबर वन पे लेके आए। और इस टाइम रैप ही रैप होएगा, और रैप ही रैप चाहिए हमको इंडिया में। मैं फर्स्ट रैपर को मैं मिला, उनका नाम ये हनी सिंह है। हनी सिंह ने मुझे आके पपी दी और मुझे बोला कि आकाश यू आर वेरी स्वीट किड। मैंने बोला पाजी कभी भी हम लोग साथ में काम होना तो मैं ज़रूर करूँगा, आई लुक अप टू यू। हनी सिंह ऐसा आदमी है कि उसने रैप इंडस्ट्री हम लोग के लिए ईजियर बना दिया है। आप जानते हो हनी सिंह की वजह से हम लोग रैपर लोग को और मौका मिला है। सो आई वुड लाइक टू वर्क विद सब रैपर्स। मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं है, मैं सबसे प्यार करता हूँ। इवन डिनचैक पूजा, सेल्फी मैंने ले लिया सेल्फी। आई लव यू डिनचैक। आशी मेरी बहुत खास दोस्त है, पर अगर आप जानते हो आशी हमें कॉम्पिटिशन कंपनीज में आए हैं। उसका टी सीरीज में आज गाना लॉन्च हुआ है, मेरा जी म्यूजिक में आज लॉन्च हुआ है। वो खुद में बिजी है, मैं खुद में बिजी हूँ, बट हम लोग एक दूसरे गाना शेयर करेंगे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, अरे भाई लो, अच्छा आपने पूछ लिया, मैं समझा देता हूँ। जब मैं अमेरिका में था बचपन से, उधर काले गोरे लोग आकाश कभी बोल नहीं पाते थे, ए कैश। मैंने बोला सुन भाई, ए कैश ही नाम है मेरा, आकाश बोले ट्राई भी मत करना। तो इसके लिए ए कैश आया है, और मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सब लोग को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपने टाइम निकाला। आई होप आपके भी चेहरे में एक स्माइल आ जाए, और आप सब लोग में, और आप लोग बस नागिन नाच शेयर करो, बड़ा बनाइए। And I just want to say thank you to everybody. I really love you and appreciate it. And God is great. Love your family. And that's it. मेरी आवाज़ किसको? आई जस्ट डोंट नो। अभी अब आकाश दलानी थका तो नहीं है, पर आकाश दलानी एक ही आशको सैनिंग है आप बेबी। Really, really great that Akash has made this one. Very creative with very creative, yes, obviously. Akash is always rocking. A creative one, yes, I guess. Yes, very, very energetic and very creative. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Okay, ready? Ready? Yeah. Okay, okay, Vikas. Vikas, sabse pehle kya डिसाइड कर लो, पूछ क्या रहे हो पहले? क्या शुभकामना देना चाहेंगे नागिन आपके मित्र दोस्त का? मेरे मित्र दोस्त नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा मेरे जो को हाउस मेट रहे हैं आकाश और ददलानी, उनको मैं प्यार से टकलानी बोलता हूँ। ही इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, एंड आई थिंक जो भी आपने देखा था उनको शो के अंदर, उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, चाहे वो उल्टी हो या सीधी हो, पर उन्होंने हर कुछ किया जिस तरह से वो उस शो पे टिके रहे। और अभी वो बाहर आके बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने खुद का म्यूज़िक, अपना खुद का रैप लोगों को बताना चाहते हैं, एंड ही इज़ वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट एटलीस्ट पीपल आर वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स व्हाट दे वांट टू डू, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई वी ऑल आर हियर टू सपोर्ट आकाश। एंड उनका जो नागिन डांस आ रहा है उसके लिए मुझे लगता है होप कि नागिन बहुत 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 पॉपुलर हो। ओके, देखा आपने, कैसा लगा आपको? मुझे लगा जैसा वो करते हैं, ये उनका स्टाइल है, तो मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा। एब्सोल्युटली। नागिन डांस मेरे लिए फेवरेट नहीं है, मैं तो बचपन में वो निगाहें और नागिन वाला डांस मुझे मालूम था, मैं तेरी दुश्मन वाला, उसके अलावा मैं बहुत ही हिंदी हार्टलैंड फिल्मी हूँ, और रैप का मुझे इतना शौक नहीं था, बट जितना कुछ मैं अब सीख रहा हूँ रैप के बारे में, तो आई थिंक इट्स अनदर काइंड ऑफ म्यूजिक। आई एम
एक्चुअली मुझे नहीं मालूम उनका सॉन्ग लॉन्ग छुआ है, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं है। अपने लुक के बारे में आज थोड़ा कुछ अलग? मैं कुछ भी लुक के बारे में नहीं है, मैं अभी खेल रहा था। आई हैड टू फिनिश माय थिंग दैट आई डू एवरी डे और उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पर आया। कार में मैंने थोड़ा सा ऐसे टचअप करके आया हूँ, बिकॉज जब सोते नहीं हो तो आपके नीचे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और वो आपको छुपाने पड़ते हैं। झूठ मत बोलो विकास गुप्ता, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हो और ये सेक्सी हो गया बिग बॉस के साथ बहुत ज़्यादा। पतला बदक क्या जो भी साथ रहता था, इसके गाल गाल इसे थे, मिठाई बहुत खाता था, सिक्स पैक आ गए हैं, मसल्स आ गए हैं। अब भी मसल्स तो कोई नहीं आया, देखा फ्लैक्स तो कर, अब मसल्स तो फिर भूल जाओ। आई थिंक अभी भी मैं मिठाई खाता हूँ, बस इट्स जस्ट द फैक्ट दैट मैं अब वर्कआउट बहुत ज़्यादा करता हूँ एंड मैं फोकस करता हूँ कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अब देखो इसको, ये तो बदला ही नहीं है। आपके इंजाम में पसीने में पानी पानी हो रहा है? नहीं नहीं, उसने एक कोट पहना था ना भयंकर, इसलिए मैं जैकेट में उतार दी थी गर्म लगने। और बाय द वे ये जर्सी बहुत स्मार्टली पहना है, ये एनबीए प्लेऑफ जीतने वाले ये साल, ये स्टेफ करी की जर्सी है। कैन यू शो द बैक प्लीज, केविन डुरांट, बूम, दे द बेस्ट एनबीए टीम। यस, व्हाट डिड यू एंजॉय द वीडियो? एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक आई एम रियली होपिंग दैट द कंट्री लव्स द वीडियो एंड दे कैन गिव हिम लॉट ऑफ लव बिकॉज़ आकाश इज वर्किंग वेरी हार्ड एंड ही इज रियली doing it the right way and I think that's very very important. So I think we should all come together and do as much as we can to support Taklani. Dadlani. Taklani. Do you see some of this cute little stuff we put up? Very cool. Right, man? Cute little stuff. Sari, jitni bhi ladkiyan usko chahiye thi, Angrez Ali, wo sari ke sari wo lekar aaya apne saath. And he's fulfilled ki mere paas aage pictures. Aise cut ke sawal hai kaafi. Senior citizens ke bare mein kya kehna chahenge? Senior citizens ke bare mein? Mere liye life mein, mere liye sabse zyada important meri mom hai. और मुझे लगता है कि जैसे मैंने एक बार कहा था कि जब आप छोटे होते हो, बच्चे होते हो, तो आपका ख्याल मॉम और डैड रखते हैं। जब मॉम और डैड बड़े हो जाते हैं और वो सीनियर सिटीजन बन जाते हैं, तो वो बच्चे हो जाते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ देम एज वेल एज मच एज दे हैव टेकन केयर ऑफ। हैव यू सीन द मूवी बेंजामिन बटन? सीनियर सिटीजन को लेकर मुद्दे, यू नो द प्रॉब्लम इन इंडिया इज़ दैट आप अपने माँ को अच्छा रखें ना रखें, लेकिन आपको रखना है, और या फिर नहीं रखना है तो बिल्कुल ही नहीं रखना है। लाइक इफ यू गो अब्रॉड, देर आर प्लेसेज वेर यू विल हैव ओल्ड एज होम्स विच आर वेरी गुड, विच विल बी वेर यू कैन बी टेकन केयर ऑफ वेरी ब्यूटिफुली। अगर आप अपने माँ बाप को नहीं रख सकते हैं, उनकी दुर्गति मत कीजिए। देर आर प्लेसेज वेर दे कैन बी लिविंग पीसफुली ऑल्सो, बट हमें अपनी सोसाइटी में दिखाना भी पड़ता ना, अरे हमने अपने माँ को थोड़ी बाहर फेंका हुआ है, लेकिन उससे गंदी तरीके से रख रहे हैं। और दूसरी जगह जहाँ आप रख सकते हैं और जहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ अपने माँ बाप को रखना ही चाहते हैं। सो आई थिंक दोज आर मेजर इश्यूज दैट द मम्स एंड द डैड्स गो थ्रू। 7 साल के बाद अगर आपसे बात करें, क्या प्लान रहेगा आपका? मैं नहीं सोचता, मैं केवल 2 साल तक का सोचता हूँ, उसके आगे का मैं कभी सोचता ही नहीं लाइफ में। ओके विकास, इसी के साथ में जिस तरीके से अभी हिना खाना भी कांस पे गई हैं और उनको कांस पे जाने के लिए उनको ट्रोल किया गया है, हाँ, एक मैगजीन के एडिटर ने उनको लेके, हाँ जी, जितेश जी ने बोला था कि चांदीवली स्टूडियो स्क्रिप्ट पे ऊपर मैंने एक ट्वीट भी किया था जहाँ मुझे लगा था कि चांदीवली स्टूडियोज इज नॉट अ बैड टर्म। आई रियली फील चांदीवली स्टूडियो वही स्टूडियो है जहाँ पर दीपिका, सोनम, कैटरीना, शाहरुख खान, इरफान खान, वो सभी लोग जो कोई भी कांस में पहले जा चुके हैं, वो सब वहीं से आए हैं। तो अगर किसी को लगता है चांदीवली स्टूडियोज इज अ बैड टर्म, आई एम सॉरी, बिकॉज इट्स लाइक मेरे, बिकॉज अगर मेरे इंस्टा पे कोई इंसान जो ट्रोलर्स लगते हैं ना, और ये लड़की लग रहा है, और तुझे मैं लड़की लग रहा हूँ, उसका मतलब बहुत अच्छी बात है, लड़की तो बहुत प्रिटी होती हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दैट्स नॉट एन अब्यूज, नाइदर इज दिस। आई अंडरस्टैंड इट वॉज मेंट द वे इट वॉज मेंट, बट आई फील दैट इट्स लाफेबल अगर किसी को लगता है कि चांदीवली स्टूडियो, आई हैव बीन ब्रॉट अप। विकास, बिफोर यू गो, आई जस्ट वांट टू से गाइस, आप लोगों ने देखा होगा बिग बॉस में समटाइम्स हम लोग गेट अलोंग नहीं करते थे, बट आफ्टर वी गॉट आउट ऑफ बिग बॉस, सबसे अच्छा दोस्त और एक्चुअल में ही इज अ गुड फ्रेंड एंड ब्रदर टू मी एंड वी वर्क्ड सम गुड स्टफ, ही इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट पीपल बिग बॉस के बाद में मिला हूँ, एंड दिस माई मदर लव्स हिम, माई सिस्टर लव्स हिम, आई लव हिम, आप इससे प्यार करते हो, सो आई वुड लाइक टू से गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू आकाश, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, बातों पर विश्वास मत कीजिए। यार आई लव दिस गाय, यार आई डू, बट आइडियली आई एम रियली रियली हैप्पी दैट ही इज एक्चुअली फोकस्ड टुवर्ड्स वर्किंग, ही इज नॉट जस्ट ऐसे घूम नहीं रहा है और अपने गाने बना रहा है, म्यूजिक बना रहा है। हर किसी को हर कोई गाना पसंद नहीं आता, लेकिन सबका अपने अपने चॉइसेस होते हैं, एंड आई एम रियली होपिंग दैट हूएवर लाइक्स रैप, हूएवर लाइक्स एंटरटेनिंग सॉन्ग्स विल लिसन टू नागिन। और जिसको भी लड़कियां पसंद है, तुम लड़की कब से हो गए? लड़कियां 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 नेगेटिव डांस। इस एल्बम में एक खुलासा हुआ है, आकाश कैप पहनते हैं, पहली बार इन्होंने कैप उतारी है। वाह,
हां एक्चुअल में मेरे खुलासा मैं देख चुका हूं बिग बॉस में खुलासा था ओके नहीं देखना वो खुलासा बिकॉज़ शो इज वन डैश स्टेप ऑफ नागिन नाज यू डू इट विद मी वंस नो आई कांट डू दैट शी डू दिस मच आई विल आई गिव यू ताल एंड यू डू द रैप चल डू इट डू द ताल ओके आई विल डू द ताल चलो कम ऑन 1 2 3 ए नाचे तू फास्ट नाचू मैं फास्टर छोड़े तू स्टूडेंट तो मैं तेरा मास्टर विकास रॉक्स इज द स्पेस इज द बेस्ट फ्रेंड दैट आई एवर हैड आई लव दिस गाय विल आर यू विकास गुप्ता आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट प्लीज गो एंड वॉच नागिन प्लीज डाउनलोड एंड प्लीज शेयर इट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सपोर्ट पीपल आर वर्किंग हार्ड थैंक यू एक मिनट विकास हां